तू क्या सोच रहा है? कुछ खास नहीं, बस अपने बारे में सोच रहा था। अपने बारे में मतलब तू और मैं, हम एक ही तो हैं। वैसे एक बात बोलूं, अब इतना घूमने तो लगा है तू, बस किसी एक जगह पे दिन मत लगा लेना। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मुसाफिर का दिल लगा ना एक जगह पे, तो मुसाफिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यू मीन टू से हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, करेक्ट? ठीक है। चलिए अब नई कहानी है तो नए से शुरू करते हैं, यानी न्यू दिल्ली से। अब नई कहानी है तो नए लोग जरूर होंगे। तो मिले हमारे पहले दोस्त से, नाम विष्णु शिव कुमार, 6 फीट लंबा, प्रोफेशनली बाइकर फ्रॉम तमिलनाडु। वैसे विष्णु और मेरी दोस्ती अरुणाचल में हुई थी। उसने भी कहा कि उसे भी पहाड़ों में घूमना है, फिर क्या, हम उसे हमारे साथ ले आए हिमाचल के पहाड़ों में। मनाली पहुंचने के बाद मेरे मन में ये लाइन बार बार दोहराने लगी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या, हमने हिमाचल वाली टोपी पहन ली और आ गए हम अपने होटल पे। बट देयर इज वन थिंग सर, बिफोर वी स्टार्ट आवर ट्रेक, कैसा ये सोलो ट्रिप ग्रुप ट्रेक में बना, मैं उसको आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो लेट्स मीट आवर फर्स्ट गाय। हे हाय। हाय, आई एम चेतन्या। मिलिए चेतन से। हमारे ग्रुप में सबसे फोटो खींचने वाले एक्साइटेड बंदा यही था। लेट्स मीट अनदर वन। हे, आई एम मधुस्मिता। उर्फ मधु, ग्रुप में अकेली लड़की और क्लाइंबिंग में सबसे एक्सपीरियंस बंदी। और हां, सुंदर भी। लेट्स गो फॉर दिस वन। हे गाइस, दिस वन हियर। और ये है हमारे ग्रुप के चीता, जो सबसे तेज चलते हैं और हां, कैमरा से भी दूर भागते हैं। Let's go for the last one. Hello guys, my name is Varun. और ये है वरुण भाई, जो 9 से 5 को काम में ट्रैवल कैसे करना वो बखूबी जानते हैं। And basically you know me, where's the guys? Okay, 3, 2, 1, Sachin. And this is where chapter gets fully loaded. Done. वैसे आगे के सफर में हमें और भी बढ़िया लोग मिलने वाले, पर उससे पहले नेचर के साथ बॉडी को यूज्ड टू भी कराना जरूरी है, मतलब क्लाइमेटाइजेशन। कहते हैं माउंटेन एक्सपर्टीज में ये एक जरूरी पार्ट होता है, और ये क्यों जरूरी होता है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। धीरे धीरे हम जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे, बॉडी की हीट बाहर निकल रही है, यानी अंदर से बहुत गर्म होने लगा है। जैसे हम लोग 5 मिनट के लिए रुकेंगे, वापस हमें ठंडी लगने लगेगी। So this is how nature treats us. It's kind of giving like a Kedarnath vibes. We need to go to Anjali Mahadev Shivling. So day one पर हम आते हैं अंजलि महादेव शिवलिंग के यहाँ पे, जो सोलंग वैली में स्थापित है। कहते हैं जब बर्फ गिरती है तो इन पहाड़ों में भोलेनाथ की छवि दिखती है। अभी कितना सच है कितना झूठ हमें तो पता नहीं, तो हम भी महादेव के भक्त हैं, उसी कारण फटाफट निकलते हैं। लोकल्स का ये भी कहना है कि जो शिवलिंग है 900 साल पुरानी है, यहाँ पर माता अंजनी ने तपस्या की थी 7 साल होते और उनको हनुमान जी ब्लेस्ड हुए, इसलिए ये जगह का नाम गिरा अंजनी महादेव। Yeah.
बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते डे टू के क्लाइमेटाइजेशन पे। वैसे हमारे पीछे जो ये बेजुबान जानवर घूम रहे, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, आगे जाके इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इसे क्यों हर इंसान का साथी कहा जाता है। सोलंग वैली में बसे हुए गांव में पहुंचने के बाद हमें एक खूबसूरत नज़ारा ड्रोन से देखने मिलता है। हमने लगभग वहाँ से नीचे से शुरू किया था एंड वी आर हियर, और आगे और जाना है। लेट मी टेक अवर सियोग व्लॉग्स। सी गाइस, आई एम अ प्रॉपर बाइकर। सियोग इज किलिंग मी विद दिस टाइप ऑफ ट्रैक्स, बट द प्लेस लुक्स इनक्रेडिबल यार। लेट मी शो यू, फील्स लाइक वी आर इन अ मूवी। वैसे मूवी से याद आया, आपने चार्ली मूवी तो देखी होगी। घर में कुत्ते अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने स्ट्रीट डॉग से प्यार करना सीख लिया और मुझे शायद मेरी चार्ली मिल गई। आपने इतने ठंडे के अभी हाथ भी इतने ठंडे पड़ने लगे कि क्या बताए। और सोचा था हमने ड्रोन यहाँ पे एक शॉट तो ले लेंगे, बट यहाँ पे सारा राज्य माउंटेन ईगल्स का है। अभी हम 12,000 फीट पे ही खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बुशेस खत्म हो जाते, मतलब ट्री लाइन खत्म हो जाता है, बुशेस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम पीर पंजाल रेंज में खड़े हैं, और उस साइड जो है धौलाधार रेंज है। धौलाधार की सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है हनुमान टीबा, जिसका हाइट है 5932 मीटर, ओके। और उसको डिवाइड करता है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज को एक 10-2 पास गली है, जो सामने दिख रही है लॉन्ग वाली गली, ये डिवाइड करती है। तो पीर पंजाब की हाईएस्ट पीक है इंद्रासन, जो कि इस साइड दिख रही है। अरे इनसे इंट्रोड्यूस करना तो रही गया, मिले अंजलि शर्मा से, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो और माउंट एब्रूस इसे बड़े बड़े सुमित साड़ी में किए। जी, तो फ्रेंडशिप पीक भी आपकी इस साइड है, तो सभी को पता होगा फ्रेंडशिप पीक का हाइट क्या है। वी हैव कंपनी। टू क्लाइमेट अकोमोडाइजेशन हो चुका है, एंड इज लाइक देखते कल कैसा सीनरी होने वाला है। आई मीन कल हम रवाना होंगे माउंट फ्रेंडशिप के लिए होपफुली, बट स्टिल यहाँ से क्लाइमेट को बॉडी को सूट करवाना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। डे टू के क्लाइमेटाइजेशन पर ही हमें हमको मिलने वाले थे हमारे ये स्नो बूट्स। ये बाहर की तरफ चाहिए। इसे कहते हैं क्लाइंब पॉन्स, जो पहाड़ों में क्लाइंबर का सबसे बड़ा साथी माना जाता है। और हर एक क्लाइंबर को आगे वाले क्लाइंबर से मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो हम मिलते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर से, मिले एवरेस्टर हुसैन मातो, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था 2013 में, और उनके सारे एक्सपीरियंस लेते लेते कब शाम हुई हमको पता ही नहीं चला। हाय, गुड मॉर्निंग। सो वी हैव वन गुड न्यूज एंड वन बैड न्यूज, वी कैन से सिमिलरली। सो हम लोग जिस कल पहाड़ पे गए थे, आज वो पहाड़ ऐसा दिख रहा है, कुछ पूरी तरह से स्नो से कवर्ड है। और ये पूरा हुआ कल रात को।
सो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि हम लोग कैसे आगे चढ़ने वाले सो लेट्स सी हाउ इट्स गोन हैपन। जाने से पहले पता नहीं हर वक्त माँ की बहुत याद आती है, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस टिप लेके कि क्या करना है क्या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं रोशन सर की ओर, जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज लेके हम बढ़ते हैं अपने अगले सफर की ओर, यानी माउंट फ्रेंडशिप की ओर। इन्हें क्या ही पता, ये हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे आगे कितने खौफ में चलने वाले हैं। कसम से जब गाड़ी जा रही थी ना, तब ऐसा लग रहा था कि हम कोई प्लेग्राउंड में उतरे और इसके आगे हमारी जो जंग है वो हमारे ऊपर है। सर जी सब यहाँ पे। ओह बाय द वे, मिले द मेन कोर यानी हमारी किचन टीम और ट्रेक लीडर से। थैंक यू। जो सामने जो पहाड़ है ये पूरा रेंज है हनुमान टिब्बा का, और माउंट फ्रेंडशिप है ये साइड में, मतलब पहाड़ के वो साइड में। तो अभी हम चल रहे धीरे धीरे, बट सीनियर ऐसे कि कल रात के स्नोफॉल के वजह से हम आगे जल्दी नहीं जा सकते, बट सीन ऐसा है कि जब तक खच्चर आगे नहीं बढ़ेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहता ना एक मुसाफिर पानी की तरह बहता रहना चाहिए, तभी उसको खूबसूरत नजारे और खूबसूरत लोग मिलेंगे। इनसे मिलिए। हेलो आई एम रचना अत्रे, हिमालय मलकूप आवडतो। मी गेली ऑलमोस्ट 26-27 वर्ष दर वर्षी येते आणि मला असं चावी मिळाल्यासारखं वाटतं, आणि माय एज इज 64। आता 2 दिवसापूर्वी माझा वाढदिवस होता। शी इज 64। And what's your excuse, guys? What's your excuse? Yes, you must do it. I mean, the Himalaya is the place to be. Really, we need more people here. And thank you so much. God bless you. And happy journey. God bless you. Suyog Yog Amre. Yes. Thank you. Take care. Bye bye. वैसे मुझे आइडिया तो लग गया था कि इन पहाड़ों में मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ शुरू होने वाला है, और इन खूबसूरत नजारे के साथ मेरे को मिला एक चेरी ऑन द टॉप। धीरे धीरे आगे चढ़ रहे बट अचानक से थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल होने लगा है। शायद पहाड़ों की मेरी पहली स्नोफॉल थी जो मैंने महसूस की, और शायद इतना कि इनसे प्यार ही कर बैठा। स्लोली इट्स टर्निंग टू वाटर। कहते हैं ना प्यार में हमेशा तकलीफ तो होती है, और इन पहाड़ों के प्यार में मुझे फील हुआ AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। पता नहीं आगे कर पाऊंगा चल पाऊंगा या नहीं, ऐसे पागल दीवानी की तरह इन पहाड़ों से प्यार जरूर करूंगा। So somehow we finally reach the lady lake camp. This is how it's look. So right now we are at somewhere above 3,900 altitude, I guess, and it's so cold that I'm not getting any idea ki kaisa click karna, but the stars I'm seeing right now, the Milky Way, so damn good that we'll click a picture right now because my GoPro battery's got exhaust. So let's see, hoping for the best image. Sure, macha. Yeah, close it. Shut off the light. So yeah, I never thought कि मुझे कभी mountain sickness होगा। It's a bit difficult, you know, to survive in this atmosphere. कल रात को 3 बजे इतनी जोर से हवा चले कि I thought कि like मुझे submit नहीं करना है, I just want to give up. But 6 बजे headache भी होने लगा,
माउंटेन एक्यूट सिकनेस होने लगा, थोड़ा सा फील होने लगा, इट जस्ट मेरा वाटर इनटेक कम था। तो सुबह इट्स फीलिंग बेटर, बट व्हाट्स मोस्ट बेटर इज लाइक दिस व्यू। And this is Mount Friendship Peak over there. So, abhi hum ja rahe hain practice karne. सब टेक्निकल जी हाँ, टेक्निकल माउंटेन एक्सपर्टीज में टेक्निकल यूज होता है, इसलिए उसको एक्सपर्टीज कहते हैं। और एक्सपर्टीज में हमको साथ देते हैं ये चीज़। ओके, ओके, सो एक्स हार्नेस कैराबिनर क्लाइम बूट्स ग्लिटर एंड हेलमेट रेडी, जस्ट क्रैम्पॉन्स डालने पड़ते हैं। हम डालेंगे स्नो में, लेट्स गो फॉर ट्रेनिंग। तो माउंटेन में क्या होता है मालूम है, एक पत्थर जब गिरता है जब ये यहाँ से गिरेगा यहाँ तक इसका स्पीड कम होता है, बट जब इसको 2-3 सेकंड और मिल गया इसका स्पीड 5-6 गुना बढ़ता ही जाएगा पर सेकंड। वो स्पीड को उतना बढ़ने से पहले आपको स्टक करना है, समझ गए? जब सर जी हमको सिखाए रहते तो हमें मजा करते थे, ये छोटू उस्ताद हमारे साथ ज्वाइन होते। आगे की रोक, देखो आगे जैसे क्लाइम कर रहे है ना, नहीं यहाँ पे मैंने इतना भी नहीं सोचा कि यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में हमको करनी पड़ती है, सोच समझ के करनी पड़ती है। यहाँ तक एक सिंगल लॉक और हैंड स्विच कितना मायने रखता है। बाय द वे आपको पता है ट्रेनिंग में हमने फॉल की भी प्रैक्टिस की थी, यानी गिरना पूरे क्यों ये आपको आगे समझ ही जाएगा। पहले ये डेमो देखिए, चलो खड़े हो जाओ जरा। 45 डिग्री एंगल लिया थोड़ा परे को कर दिया, अपने हॉरिजॉन्टल हो गया जा रहा है, ये हो गया ऐसा लॉक। चेक होना चाहिए इसका पॉइंट वाला पोर्शन। हां अभी कितना है ये, कितना एंगल हो गया? ये 90 हो गया ना प्रॉपर, ये 45 कितना? मुझे लगा था मैथ्स और फिजिक्स ही बचपन तक ही सीमित है, यानी 10th और 12th तक, उसके बाद लाइफ के एक्सपीरियंस में इतना आगे एंगल लगेगा ये मुझे पता नहीं था। वैसे फॉल प्रैक्टिस करने के बाद हम फटाक से सो भी गए थे और यहाँ पे लगभग कुछ 4 बजे थे, लाइक हम रात को आज 11 या 12 बजे निकलेंगे समिट के लिए, तो रात भर हमको चलना है लगभग 9 बजे तक, क्योंकि देखा जाए तो 10 घंटे का कुछ तो होगा सबमिटिंग टाइम, और उसके बाद हम नीचे आने के लिए 4-5 घंटे लगेंगे, लगभग 12 घंटे के ऊपर से हमको चलना ही है। इस लाइक हम लोग ने 3 लेयर ऑलरेडी पहन लिया है, लाइक अंडर थर्मल, फिर ये ट्रैक पैंट और फिर ये एक और आर्मी जीन्स, और इसके अंदर एक थर्मल टी शर्ट, वापस एक थर्मल, फिर एक और जैकेट, फिर उसके ऊपर फेदर जैकेट। सो इतनी ठंड होने वाली है, तो उसके ऊपर से वी हैव टू गेट दोस बूट, अंधेरे में दिखेगा नहीं। ठीक है, तो भगवान का नाम लो और चलो चलो मंदिरप्पा मोबे हर हर महादेव। वैसे मैंने कहा था ना चलते चलते हमारी एक साथी हमारे साथ ज़रूर रहेगी, ये देखिए ये वही है जो बिना क्रैम्पॉन की मदद से इतनी दूर हमारे साथ चल के आई। 70 डिग्री स्टीप, 70 डिग्री स्टीप इट इज, हार्डली एबल टू टॉक। साढ़े 12 बजे हमने चलना शुरू किया था और हमको शोल्डर तक आ गए थे, हमें लगभग 6 बज गए थे।
और कहा था ना मैंने, मेरा ब्रेकफास्ट इन पहाड़ों में सबसे बढ़िया होने वाला है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था। पर कहते ना, प्यार कुछ लम्हों के लिए होता है। क्रेवास के बाजू में बैठ के जो नींद आने लगी थी, लगभग डर सा लगने ही लगा था मुझे। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि क्रेवास के नजदीक से गुजरूंगा। बॉडी लगभग हाइड्रेट और एग्जॉस्ट दोनों होने लगी थी, और इतने हाई एल्टीट्यूड पे होके धूप इतनी तेज लग रही थी और मेरे पैर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं से एक दूसरे को मोटिवेट कर करके हम लगभग नेक तो पहुंचे। एक तो एक क्रैम्पॉन्स निकल गए मेरे, कैसे वैसे आया, ऐसा लग रहा धीरे धीरे क्रैम्प आने वाला पैर में। आएगा आएगा आएगा, तब भी तो बोल रहा था मैं कि आपको एनर्जी नहीं है तो छोड़ दो, इतना तो जबरदस्ती। बात तो सही, क्रैम्पॉन्स निकले, क्रैम्प्स आए, पर कहते ना अगर जन्नत होगी तो यही होगी, और एलन मुझे फील होने लगी। वैसे नीचे आते समय मेरी फटी पड़ी थी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लगभग एक दो बार गिरते गिरते बचाऊंगा। नीचे उतरते समय काफी डर था, वैसे शोल्डर और नेक का पैच क्रॉस करने के बाद थोड़ा सीरियसनेस हटा के अभी फन की बारी थी। सो हमारा माउंट फ्रेंडशिप पी का सफर यहीं पे खत्म होता है, और टाइम टू से गुड बाई टू ऑल दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स, स्पेशली आवर फ्रेंडशिप पीक। देखते हैं नेक्स्ट टाइम, शायद हम हनुमान टिब्बा के लिए भी कोशिश करेंगे। टिल दैट टाइम सी यू, बाय। वैसे जब इन पहाड़ों में था तब मैंने कुछ लिखा है। ये जो पहाड़ है ना, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि जिंदगी का एक ग्राफ है जो कभी ना कभी तो खत्म होगा, पर एक यादगार बनकर। और जो सबसे बड़ी ऊंची होगी ना, वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। तो वो अपने ऊपर है कि जिंदगी का एक मोमेंट सबसे बड़ा रखना है, ताकि दुखों के पहाड़ छोटे लगे या दुखों के पहाड़ बड़े रखे। Can you see it on the vlog? Something, huh? Yeah. It's like, hello, Nanba Nanbis. Namma Sivagamir pandra vlogs la pudichirundhuchna, like, share, subscribe pannunga. You got that? No. What? It's like I told in the favorite Talabadi's way. Talabadi. Oh, Vijay Talabadi. Ah, you know Vijay Talabadi, yeah. Right? His way of saying that. Do like, share, support. Purindida pasanala. Ah, yes. I'm teaching you Tamil, na. Yeah.